वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इस जो है वीडियो ट्यूटोरियल में जो है हम एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे उसे भी हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, इन्हीं फार्मूला पे जो है एप्लीकेशन प्रॉब्लम है वो हम करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है लेकिन फार्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, सॉरी आई मीन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, फार्मूला यूज करना है तो हमें इजिली जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर आप इन दोनों को देखें जो किस फॉर्म में है। इस फॉर्म में है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, इसलिए ये जो है किसके बराबर होगा, ये जो फर्स्ट टू प्रोडक्ट है ये क्या होगा, देखें 4x आपके पास है 4x माइनस 5y और सेकंड वाला है आपके पास 4x प्लस 5y। ठीक है, और इसको तो सेम रख लें 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो एक जगह पे हमारे पास 4x है, बी की जगह पे क्या है 5y है, तो किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ओके, एंड बी स्क्वायर मीन्स 5y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में फिल डाल दे देता हूँ और यहाँ क्या है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 फोर 16, x स्क्वायर सेम, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 25, y स्क्वायर सेम, और यहाँ क्या हुआ 16x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर। ठीक है, इसको देखें ये फिर इस फॉर्म में है, कहेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेट मी सी, अच्छा यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है। ठीक है, तो देखें ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्म में है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक जगह पे क्या है 16x स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 25y स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x a स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर होल स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16 का x स्क्वायर क्या होता है 256 और ये 2 इंटू 2 आपका क्या होगा 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस 25 का स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा 265। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 आपके पास क्या होगा 4, तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, हमने फार्मूला की मदद से इसकी मल्टीप्लीकेशन को बहुत आसानी से इजी में कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें वेरीफाई करना है इसका प्रोडक्ट जो है वो बराबर है ये राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म में बना सकते हैं। देखें जब आपके पास x प्लस ए है, यहाँ x प्लस ए है, यहाँ z माइनस टी है, यहाँ z प्लस टी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैं यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस ए, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल रहा हूँ, जब नेगेटिव कॉमन निकालूंगा तो ये क्या होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव z, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव t। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव जो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ है हमारे पास क्या, इसको अभी मैं ऐसे लिखता हूँ x प्लस वाई और प्लस जेड प्लस टी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में है और हमें पता है कि जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक जगह पे x प्लस वाई है, b की जगह पे z माइनस वाई, तो यहाँ क्या होगा z प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी
प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ x प्लस ए प्लस बी की जगह पे क्या है x प्लस वाई, और यहाँ a प्लस बी की जगह पे क्या है z प्लस टी। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस यहाँ क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस टू प्लस टू जेड टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर सेम लिखें, प्लस टू एक्स वाई सेम लिखें, प्लस वाई स्क्वायर सेम लिखें। अब इस क्या करें, इसको माइनस अप्लाई कर दें। देखो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव जेड स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव टू जेड टी, ओके, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखें हमें जो है बस स्क्वायर वाले एक जगह पे लिखने और ये जो है साइड पे करके लिखने। तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे नेगेटिव जेड स्क्वायर, फिर लिखेंगे नेगेटिव टी स्क्वायर, फिर आप लिख लें प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, फिर नेगेटिव टू जेड टी, ठीक है। तो आपका वो रिजल्ट आ गया जो हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, तो हम कहेंगे वेरीफाइड, आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है।